हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज की पोइट्री के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोइट्री ऑफ द रोमेंटिक पीरियड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोमांटिक पीरियड की जो पोइट्री थी उसको थ्री ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था लेक पोइट्स यंगर पोइट्स एंड स्कोर्ट ग्रुप तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक पोइट्स और यंगर पोइट्स के बारे में डिस्कस कर दिया था और इस लेक्चर में हम लोग स्कोर्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्कोर्ट ग्रुप में वो पोइट्स आते हैं जिन्होंने पोइटरी को बड़े पैमाने पर बहुत से लोगों में पॉपुलर किया था तो स्कोर्ट ग्रुप में सबसे पहले पोए जो है वो है सर वोटर्स कोर्ट सिर वोटर्स कोर्ट सेवेंटीन सेवेंटी वन में पैदा हुए और एटीन थर्टी डोमिन की डेथ हो गई ही वॉज द फर्स्ट टू मेक रोमांटिक पोट्री पॉपुलर मंग द मासिसज तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने रोमांटिक पोट्री को मासिस में मतलब कि बड़े पैमाने पर बहुत से लोगों में पॉपुलर किया हिज मॉरम एंड लेडी ऑफ द ले गेंट ग्रेटर पॉपुलरिटी तो इनके ये वर्क थे मॉरमेन एंड लेडी ऑफ द लेक इन्होंने बहुत सारी पॉपुलरिटी हासिल की इन्हीज़ पोइट्री वी डू नॉट फाइंड द डीपली इमेजिनेटिव एंड सजेस्टिव क्वालिटी उनकी पोइट्री में हमें डीपली इमेजिनेटिव और सजेस्टिव क्वालिटी नहीं मिलती बट इज़ एट द रूट ऑफ पोइटिक एक्सीलेंस जो कि उस टाइम पर जो अच्छी पोइट्री राइट की जाती थी उसके अंदर डीपली इमेजिनेशन होती थी और सजेस्टिव क्वालिटी होती थी लेकिन उनकी पोइट्री में हमें यह सब देखने को नहीं मिलता इन इन्हीज़ पोइटी वी फाइंड नैरेटिव पावर उनकी पोइटी में हमें नैरेटिव पावर मिलती है दैट्स वाई दे आर मोर पॉपुलर विद यंगडर्स तो यही होती थी कि वो यंग लीडर्स के दरमियान ज़्यादा पॉपुलर थे मोर ओवर स्कोर्ट्स पोइट्री अपील्स ऑन द काउंट ऑफ इट्स विगोर। उसके अलावा स्कोर्ट की पोइट्री में हमें विगोर मिलता है विगोर मतलब जोशो जज्बा वाइवेट पिक्चर्स होती हैं मतलब बिल्कुल वाज़ तस्वीरें होती हैं हीरोइक करेक्टर्स होते हैं एंड द एडवेंचर्स और एडवेंचर होते हैं इनकी पोइट्री में दैन इनके फेमस वर्कस थे उनमें आते हैं द लेडी ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रल मारमियन द लेडी ऑफ द लेक रो पाई एंड लोर्ड ऑफ द आइस एन सेकेंड पे जो स्कोर्ट ग्रुप पे पोइट आते हैं वो हैं थॉमस कैम्बल थॉमस कैम्बल सेवेंटीन सेवेंटी फोर में पैदा हुए और एटीन फोटी फोर में इनकी डेथ हो गई माइनर पोईट टू फॉलो द वो ऑफ स्कोर्ट ये एक माइनर पोइट थे जो कि वो का मतलब होता है कि स्टाइल तो ये माइनर पोइट थे जो सर वॉल्टर स्कोर्ट के स्टाइल को फॉलो करते थे और पोइटरी राइट करते थे ही रोड ग ड्यूड ऑफ योमिंग उन्होंने अपना वर्क राइड किया गर्टीड ऑफ यूमिंग इन एटीन जीरो नाइन विच डिज़ नॉट होल्ड मच फेम जिसने इतना ज़्यादा फेम हासिल नहीं किया उसके अलावा इन्होंने पैट्रियोटिक वॉर सॉन्ग्स राइट किए जिनमें आते हैं ही मैरिनर्स ऑफ इंग्लैंड हो ही लिंडल एंड द बैटल ऑफ बार्टे तो ये भी इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक माइनर पोइट थे दैन थर्ड में जो कोर्ट ग्रुप के पोइट आते हैं वो है थॉमस मोरे थॉमस मोरे सेवनटीन सेवेंटी नाइन में पैदा हुए और एटीन में इनकी डेथ हो गई ही वॉज ऑल्सो माइनर पोइट वो भी एक माइनर पोइट थे, एंड फॉलो द वो ऑफ स्कोर्ट और वो भी स्कोर्ट के स्टाइल को फॉलो करके पोइट्री राइट करते थे द पोइम्स ऑफ मोरे आर नाउ ओल्ड फैशन जो थॉमस मोरे ने एक पोइम्स राइट की थी वो अब ओल्ड फैशन हो गई हैं एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट फॉर द मॉडर्न रीडर्स और मॉडर्न रीडर्स जो हैं वो उनके अंदर बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं ये टोटल लॉन्ग सीरीज़ ऑफ़ आयरिश मेलोडीज उन्होंने आयरिश मेलोडीज उनका एक वर्क था वीच आर म्यूजिकल पोएम्स जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िकल पोएम्स राइट किए थी हिज एनदर वर्क लाला रोक इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओरिएंटल टेज उनका एक और वर्क लाला रोह जो कि ओरिएंटल टेज मतलब औरिएंटल को मतलब होता है मशर मशरकी टेज कहानियाँ उसकी कलेक्शन थी तो मोर इन्जॉयड अमेंस पॉपुलरिटी ड्यूरिंग हिस्स टाइम थॉमस मोरे ने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की बट नाउ ही इज कॉन् एज माइनर पोइट ऑफ द रोमांटिक पीरियड लेकिन अब मॉडर्न टाइम में उनको रोमांटिक पीरियड का एक माइनर पोइट ही कहा जाता है दैट्स ऑल ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्कोर्ट ग्रुप के पोइट्स को डिस्कस किया एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी दैट्स ऑल थैंक यू